ओके सो हेलो एवरीवन इस वीडियो में हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे मतलब हमने जो पिछले सात वीडियो में सॉरी पिछले छः वीडियो में जो भी पढ़ा है मैकेनिक्स के फोर्स और रिजल्ट के बारे में तो इस वीडियो में हम उसका कुछ सिंपल प्रॉब्लम करेंगे ज़्यादा टफ नहीं बहुत ही सिंपल तीन प्रॉब्लम करेंगे ज़्यादा नहीं तो हमारा टॉपिक क्या होगा आज द मेथड ऑफ रिजोल्यूशन एंड कॉम्पोजिशन ऑफ फोर्सेस का कुछ सॉल्व प्रॉब्लम सो अगर आपने मेरा वो पिछले जो छः वीडियो हैं वो अब तक नहीं देखे तो मैं उसका प्ले का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ से भी उसे विजिट कर सकते हैं तो मैं बताना चाहूँगी आप पहले वो देख लीजिए पहले छः वीडियो जो है वो देख लीजिए कुछ समझ लीजिए फिर ये प्रॉब्लम हम कर सकेंगे ईजीली कर पाएंगे वेरी इजीली सो so चलिए फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है टू फोर्सेस ऑफ हंड्रेड न्यूटन एंड वन फिफ्टी न्यूटन आर एक्टिंग साइमल्टेनियसली एट ए पॉइंट दूसरा न्यूटन का दो फोर्सेस क्या करे ना साइमल्ट एट ए सिंगल पॉइंट में एक्ट करे ये हो गया हमारा एक पॉइंट सिंगल पॉइंट हो गया इस पॉइंट में ये दो फोर्सेस एक ही साथ में साइमल्टे एक्ट कर रहे है तो पूछा है कि व्हाट इज द रेजल्टन ऑफ दिस टू फोर्सेस ये जो दो फोर्स है ये दो फोर्स का रेजल्टेंट कितना होगा अगर अगर ये दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल दिया होगा 45 डिग्री मतलब ये जो एंगल है ये एंगल दिया है 45 डिग्री तो इनका जो ये रेजल्टन होगा कितना होगा ये जो रेजल्टन होगा उसका वैल्यू कितना मिलेगा ये पूछा है तो इससे पहले कि मैं बता चुका हूँ पहले वीडियो में कि क्वेश्चन लॉ मेथड क्या होता है और उस मेथड में हम रिजल्टेंट और एंगल कैसे निकालते हैं तो आपको वो वीडियो पहले देख लेना चाहिए मैंने उसमें पूरा क्लियरली बताया है सारे फार्मूला के बारे में तो चलिए फर्स्ट आंसर में हम क्या लिखेंगे ना गिवेन दिया है एक है एफ वन दिया है हंड्रेड न्यूटन दूसरा एफ टू वन फिफ्टी न्यूटन और जो एंगल बिटवीन है एफ वन एंड एफ टू जिसको लिया है थीटा इज इक्वल टू फोर्टी फाइव डिग्री तो हमारा फार्मूला हमें याद करना पड़ेगा कि फार्मूला हमारा क्या था फॉर्मूला था ना आर इज इक्वल टू एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर प्लस और माइनस टू एफ वन इंटू एफ टू इंटू कॉस थी का होल रूट ओवर ये था हमारा फार्मूला तो हमारा फार्मूला में क्या था ना प्लस और माइनस एक था तो यहाँ पे हमारा प्लस होगा कि माइनस होगा वो कैसे जानेंगे तो ये हमारे क्वेश्चन से हम जानेंगे कि क्वेश्चन में दिया है ना हंड्रेड न्यूटन एंड वन फिफ्टी न्यूटन एक्टिंग साइम से आठ ए पॉइंट यहाँ पे ये नहीं दिया है कि ये जो दोनों फोर्सेस हैं वो सिमिलर लाइक like है या डिफरेंट है मतलब सेम सेम डायरेक्शन में मूव करें या डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करें तो हम इसे लेंगे कि सिमिलर डायरेक्शन में मूव करें तो ये दोनों फोर्स है वो आउटसाइड जा रहे हैं तो सेम डायरेक्शन के लिए हम लेते हैं क्या ना प्लस लेते हैं और अगर डिफरेंट डायरेक्शन दिवें दिवें में मूव करते हैं तो हम लेते क्या ना माइनस लेते तो फार्मूला के वाइज यहाँ पे क्या होगा ना प्लस का साइन यूज होगा तो फार्मूला हम पकाए यूज करेंगे तो आर हो जाएगा क्या ना आर इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर प्लस टू एफ वन एफ टू कॉस्थिडा तो अभी हमें बस यहाँ पे वैल्यू पुट करना है तो एफ़ वन का वैल्यू हो गया हंड्रेड एफ टू वन फिफ्टी टू इंटू हंड्रेड इंटू वन फिफ्टी कॉस थीटा का वैल्यू है फोर्टी फाइव डिग्री कॉस फोर्टी फाइव डिग्री तो अभी हमारा हो गया क्या ना स्क्वायर करना पड़ेगा इस सब का बस कैलकुलेशन करना है बाकी सब ईजी है बहुत ही ईजी है ये सब बस कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन के बाद यह, यहाँ पे एक क्रॉस रहेगा मतलब मल्टीप्लिकेशन होगा मैं भूल गया हूँ यहाँ पे ऐड करना तो हो जाएगा तो लास्ट में हमारा वैल्यू निकलेगा टू थर्टी टू न्यूटन यह होगा हमारा लास्ट में आंसर ओके तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड तो नेक्स्ट में चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पे दिया है कैलकुलेट द रिजल्ट एंड द एंगल बिटवीन द फोर्सेस मतलब क्या है ना ये राइट साइड right में जो फिगर है इस फिगर में क्या है एक बाढ़ का इमेज दिया है इस बाढ़ में क्या होगा ना चार फोर्सेस लग रहे हैं चारों डायरेक्शन में चार फोर्सेस लग रहे हैं तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा इसका रिजल्टेंट कितना होगा और जो फोर्सेस लग रहे हैं उनके बीच का एंगल कितना होगा तो पहले देखते हैं क्या है ना ऊपर की तरफ एक फोर्स है ट्वेल्व न्यूटन नीचे की तरफ नाइन राइट साइड में ट्वेल्व लेफ्ट में फिफ्टीन तो अभी हमें कैलकुलेट रिजल्टेंट कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा ना इस फोर्सेज को कैंसिल आउट करके दो फोर्सेज में डिवाइड करना पड़ेगा वो कैसे करेंगे ना पहले देखेंगे कि ऊपर और नीचे की तरफ क्या क्या लग रहा है ऊपर नीचे की तरफ एक है ट्व न्यूटन एक है नाइन न्यूटन इन दोनों में से बड़ा कौन सा है ट्वेल्व न्यूटन तो ट्वेल्व न्यूटन कितना बड़ा है थ्री न्यूटन बड़ा है नाइन न्यूटन से तो हमें एक मिल गया हमें एक रेजल्टन मिल गया मतलब रेजल्टेंट नहीं मतलब इन दोनों में से एक, एक मिल गया फोर्स कि ऊपर की तरफ थ्री न्यूटन लग रहा है क्यों क्योंकि ऊपर की तरफ फोर्स बड़ा है तो इसलिए ऊपर की तरफ मूव कर रहा है थ्री न्यूटन अभी देखेंगे कि नीचे नीचे क्या है एक ए, लेफ्ट साइड में एक न्यूटन राइट साइड में ट्वेल्व न्यूटन ये दोनों में से बड़ा क्या है फिफ्टीन न्यूटन और वो बढ़ा है तीन न्यूटन बढ़ा है ये फिर ट्वेल्व न्यूटन से तो अभी हमें और एक बात पता चल गया कि जो लेफ्ट साइड में है लेफ्ट साइड में ये लेफ्ट साइड में और एक फोर्स लगा है थ्री न्यूटन का तो अभी क्या हो गया ना ये जो चारों फोर्स थे एक दो तीन चार ये चारों फोर्स को निकाल देंगे तो बचा गया ना ऊपर की तरफ एक तीन न्यूटन का फोर्स बचा और नीचे की लेफ्ट साइड में एक थ्री न्यूटन का फोर्स बचा तो इसको हम क्या करेंगे ना एक ड्रॉ कर देंगे एक डायग्राम में तो थोड़ा ईजी होगा हमारे लिए करना तो क्या होगा यहाँ पे इस डायग्राम में हमने ड्रॉ करके बताया क्या है ना एक फोर्स हो गया हमारा ऊपर की तरफ यहाँ पे क्या हुआ ना मतलब जो हमारा बर्ड था उस बर्ड को हम एक पॉइंट की तरह डिनोट किया है ये हो गया पॉइंट और इस पॉइंट को हम बर्ड मान के चलेंगे इस बाड में एक फोर्स लगा है ऊपर की तरफ थ्री न्यूटन यहाँ पे थ्री न्यूटन और एक फोर्स लगा है लेफ्ट की तरफ लेफ्ट की तरफ ये हो गया और एक थ्री न्यूटन ओके थ्री न्यूटन थ्री न्यूटन हम पा गए तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा ना रिजल्टेंट और एंगल कैलकुलेट करना पड़ेगा तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला तो मैं पहले से ही बता चुका हूँ क्या होगा ना एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर प्लस और माइनस टू एफ एफ टू, टू कॉस थीटा पर यहाँ पे यहाँ पे ये जो एंगल ऊपर की तरफ हो गए और एक लेफ्ट साइड में तो यहाँ पे हमें क्लियरली पता चल रहा है कि ये क्या है ये एक राइट एंगल है यहाँ पे ये एक राइट एंगल होगा आराम से मतलब क्लियरली विजिबल है कि ये एक राइट एंगल है तो राइट एंगल है मतलब नाइनटी डिग्री हो गया तो नाइनटी डिग्री में मैंने एक फॉर्मूला बताया था क्या होगा कि जब भी थीटा राइट एंगल में होगा तब हमारा आर का फॉर्मूला जो है एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर प्लस और माइनस टू एफ वन इंटू एफ टू कॉस थीटा है कॉस थिएटा रूट ओवर है तो उसमें से जो प्लस और माइनस टू एफ वन इंटू एफ टू कॉस थीटा है वो हट जाएगा क्यों क्योंकि कॉस नाइनटी था कॉस नाइन्टी का वैल्यू जीरो होता है तो वो पूरा फॉर्मूला मतलब पूरा अपने से आधा फॉर्मूला निकल जाएगा सिर्फ बचेगा क्या एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर का रूट ओवर तो रिजल्ट निकालने का फॉर्मूला बचेगा जब एंगल नाइन्टी डिग्री होगा दोनों फोर्स के बीच तब आर हो गया क्या ना रूट ओवर ऑफ़ एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर का रूट ऑफर ओके तो अभी बस लिखा है यहाँ पे रिजल्टेंट का फॉर्मूला लिखे लिख दिए हैं तो बस वैल्यू पुट करना है तो वैल्यू पुट करने के बाद हमारा लास्ट में आंसर आएगा थ्री रूट टू तो ये हो गया क्या ना रिजल्टेंट हो गया थ्री रूट टू जो यहाँ पे ये यह जो रेजल्टंट है ये रिजल्टेंट का वैल्यू हो गया थ्री रूट टू अभी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा अल्फा वैल्यू कितना है और बीटा का वैल्यू कितना है और अल्फा और बीटा का वैल्यू पता करने के लिए हमारे पास पहले से ही हमें मिला है मतलब फार्मूला हमने पढ़ लिखा है क्या होगा ना टैन अल्फा का फार्मूला क्या है एफ टू साइन थीटा डिवाइडेड बाई एफ वन प्लस माइनस एफ टू का ऑस्थीटा और टैन बीटा का है एफ वन साइन थीटा डिवाइडेड बाई एफ़ टू प्लस और माइनस एफ वन का ऑस्थेटा तो यहाँ पे जब हम अल्फा निकालेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू टैन इनवर्स हो जाएगा क्योंकि जो टैन अल्फा था वो टैन यहाँ से जाके वहाँ पे मतलब डिवाइड होगा तो वो हो जाएगा क्या ना अल्फा इज इक्वल टू अल्फाइन टू टैन इन टैन इन टू साइन थीटा तो यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो लास्ट में हमारा वैल्यू निकलेगा कितना ना फोर्टी फाइव डिग्री फोर्टी फाइव डिग्री तो वैसे ही जब बीटा का भी निकालेंगे तो बीटा भी हो जाएगा कितना ना टैन इनवर्स एफ वन साइन थीटा बाई एफ टू प्लस एफ वनटा तो इसका भी वैल्यू लास्ट में निकलेगा फोर्टी फाइव डिग्री जब हम इसमें मतलब जो वैल्यू ऐड करेंगे तो इस कैलकुलेट करने के बाद लास्ट में निकलेगा फोर्टी फाइव डिग्री ओके तो ये हो गया तो ये प्रॉब्लम हो गया तो नेक्स्ट okay. so, प्रॉब्लम में हम जाएंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है ना कैलकुलेट द रिजल्टेंट एंड द एंगल बिटवीन द फोर्सेस ओके सो इस क्वेश्चन में हम जानेंगे क्या है ना ये भी बस वही सेम क्वेश्चन की तरह है बस यहाँ पे दिया है कि ये जो सर्कल है इस सर्कल में टोटल कितने चार फोर्सेस लग रहे हैं सॉरी सर्कल में चार फोर्सेस, चार फोर्सेस फोर्सेस पे लग रहे हैं राइट साइड की तरफ दो फोर्सेस है थर्टी न्यूटन थर्टी न्यूटन और ऊपर की तरफ है के फोर्टी फाइव नीचे की तरफ है वन ट्वेंटी फाइव तो इसमें बस वो रेजल्ट और एंगल निकालना है तो बस फार्मूला लगा के आराम से आंसर निकल जाएगा तो फर्स्ट का हमें क्या करना पड़ेगा की देखना पड़ेगा जो फोर्सेस है उसमें से क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है तो मान लीजिए ये हो गया एक पॉइंट हो गया इस पॉइंट में ये जो सर्कल है उसको हम, ये जो सर्कल है उसको हम इस पॉइंट से डिनोट कर रहे हैं ओके तो राइट साइड में क्या है ना दो फोर्सेस लग रहे हैं थर्टी न्यूटन का इसमें इस सर्कल में लेफ्ट साइड में कोई फोर्सेस नहीं है तो इसलिए कुछ भी माइनस नहीं होगा जो फोर्स है वो राइट साइड में है तो दोनों फोर्स को हम प्लस कर देंगे तो हो गया कितना ना थर्टी प्लस थर्टी सिक्सटी न्यूटन यहाँ पे लग गया सिक्सटी न्यूटन का सिक्सटी न्यूटन का फोर्स लग गया फिर क्या है ना एक फोर्स है ऊपर की तरफ एक फोर्स है नीचे की तरफ तो डायरेक्शन दूसरे मतलब अपोजिट है तो इसमें कैंसिल आउट करना पड़ेगा तो वन ट्वेंटी फाइव से फोर्टी फाइव कैंसिल करने से बचेगा कि इतना एट्टी न्यूटन और जो बड़ा फोर्स है वो नीचे की तरफ है इसलिए यहाँ से हो जाएगा नीचे की तरफ क्या हो गया ना एट्टी न्यूटन का तो हो गया कितना ना एक ही पॉइंट में दो फोर्सेस लग रहे हैं एक है सिक्सटी जो कि राइट तरफ एक है एट्टी जो कि नीचे की तरफ वही वही मैंने बताया है यहाँ पे इस फिगर में वही ही बताया है वही सब तो अभी हम क्या करेंगे ना ये जो फोर्सेस लगे दो फोर्सेस लगे गए अब इसको हम क्या करेंगे ना रेजल्ट निकालेंगे ये हो गया रेजल्ट तो रेजल्टा निकालने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा ना ये जो फॉर्मूला हमें पता लगाना पड़ेगा और उससे पहले हम ये भी क्लियरली विजिबल है कि ये एक नाइन्टी डिग्री है मतलब राइट right एंगल है तो नाइन्टी डिग्री हो गया हमें थीटा मिल गया पहले ही तो अभी बस हमें फार्मूला पुट करना है तो फार्मूला पुट करने से पहले हाँ एक बात बताया था मैंने थीटा जब नाइन्टी डिग्री होगा तो फार्मूला एफ वन स्क्वायर बस एफ टू स्क्वायेर हो जाएगा तो हो गया यही आर हो गया आर का वैल्यू हो गया यहाँ पर मैंने पूरा फार्मूला लिखा है फार्मूला लिखने के बाद यहाँ पे क्या होगा ना कॉस नाइन्टी का वैल्यू जीरो होगा तो जीरो पुट करने से ये टोटल जो वैल्यू है ये जीरो हो जाएगा तो बच्चा कितना ना थर्टी सिक्स हंड्रेड सिक्सटी फोर हंड्रेड दोनों को आर्ड करने के बाद उसका रूट ऑफर निकला लास्ट में निकला कितना ना वहाँ हंड्रेड न्यूटन तो रिजल्ट आ निकल गया हमारा कितना ना हंड्रेड न्यूटन तो अभी हमें अल्फा निकालना पड़ेगा अल्फा का वही फार्मूला जो बताया था टेन इनवर्स एफ़ टू साइन थीटा बाई एफ वन प्लस एफ टू कोसीडा बिटागा वही सही एफ वन साइन थीटा डिवाइडेड बाई एफ टू प्लस एफ वन काटा बस वही यहाँ पे दो फार्मूला पुट करेंगे उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर निकलेगा इतना टे आन इन बस वन पॉइंट थ्री टेन इन बस जीरो पॉइंट सेवन फाइव तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड बहुत ही ईजी और सिंपल टॉपिक है और क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल से हो जाएगा आपको बस फार्मूला याद रखना पड़ेगा और थोड़ा बेसिक जानना पड़ेगा ओके okay. सो थैंक यू अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे और एक नई टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो होगा क्या द मोमेंट एंड कपल सो थैंक यू ऑल एंड गुड बाय